हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये सॉलिड स्टेट की पार्ट फाइव वाली वीडियो होने वाली है और इसमें हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में 2D पैकिंग की बात कर चुके हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो वीडियो है वो स्टार्टिंग के 3, 4, या 5 मिनट देख के बस चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वरना आप वो जो 4-5 मिनट भी इसमें दे रहे हैं वो आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, किसी एक चैनल को अच्छे से पकड़िए और पूरे चैप्टर को अच्छे से कम्प्लीट कीजिए, ठीक है। जब आप पूरी वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, देन ऑल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो टीचर कैसा है जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं, ट्राई टू कंप्लीट द वीडियो, ओके। वरना अगर नहीं देख पाते किसी कारणवश तो उसे देखिए, ठीक है। और इसको जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़रूर इस टाइम पे अपने 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर को ख़त्म कर पाए, ताकि एंड में उन्हें प्रेशर ना आए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2D पैकिंग दो प्रकार की होती थी। एक जिसमें AA टाइप, जो मैंने बताया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो हमारी दूसरी पैकिंग थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो AB टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। तो उसे अब हम फर्स्ट लेयर मानेंगे, उसे हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेयर। चलिए मैं वही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी थी 2D पैकिंग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम इस पहली लेयर को ए मान रहे थे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये जो लेयर है इसे हमने ये फर्स्ट रो को ए माना था, फिर सेकंड रो वापस ए, फिर थर्ड रो भी इसकी जैसी, तो हमने इसे लिया था AA टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अब इस पूरी को ही, अब जो पूरा पहला है ना, पूरा ये जो सारे आप देख रहे हो, ये जो चार रोज देख रहे हो, इस पूरे को अब हम फर्स्ट लेयर मानेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब अपनी जो पैकिंग है वो करने वाले हैं। तो ये जो पूरा हो गया इसे हम मानेंगे फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर है वो ए लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई? ए लेयर। तो इसे मैं येलो कलर से लिख देता हूँ। तो जो आपकी पहली लेयर है वो येलो कलर की है और ये ए लेयर है, ठीक है। अब इसी के ऊपर आप वापस ऐसे ही स्फीयर रखते जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, आप फिर आपने स्फीयर रखा, ठीक है। ये देखिए, आप अब इसके ऊपर वैसे ही स्फीयर रखते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जैसे पहली लेयर थी उसी के ऊपर। सर बट इसमें तो वॉइड काफ़ी ज़्यादा है, खाली जगह काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आ गई हमारी सेकेंड लेयर, जिसे हम कहते हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर या फिर आप कह सकते हैं, सर जो दूसरी लेयर है वो भी पहले लेयर जैसी ही है। अब आप चाहो तो इसके ऊपर अब अपनी तीसरी लेयर भी रख सकते हो। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, सर ये तो पूरा जो सब कुछ है ये पहले लेयर जैसा ही दिख रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं हम AAA टाइप AAA टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहली लेयर जैसी थी वैसी ही दूसरी लेयर है, और दूसरी लेयर जैसी तीसरी लेयर थी। चौथी लेयर भी रखेंगे तो वो भी किसके जैसी होगी? जी हाँ, वो भी पहली लेयर जैसी ही होगी। अब मैं ये सबको ज़रा मिटा लेता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग क्यूब क्यों बोलते हैं। हम इसे क्यूब इसलिए कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट लेयर की कुछ स्फीयर को ले लो और सेकेंड लेयर के कुछ स्फीयर को ले लो और उनको ज्वाइन कर दो, तो आपको मिल जाएगा बाकायदा एक क्यूब। कैसे, वो देखिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने पहले लेयर का एक स्फीयर ले लिया, ये देखिए ये ले लिया, और ये पहले लेयर का है, ठीक है। अब ठीक इसी के ऊपर कौन सा है? ठीक इसी के ऊपर, जी हाँ, ठीक इसी के ऊपर जो है वो
दूसरे लेयर का स्फीयर होगा, और ऑलमोस्ट दोनों आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट दोनों क्या है आइडेंटिकल, तो उनका थोड़ा सा कलर मैं अलग करता हूँ और थोड़ा सा उन्हें टेढ़ा रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, फिर ये वापस वही, मैं कलर मेरा दूसरा यूज़ करने का मकसद यही है कि आपको पहले लेयर के भी स्फीयर दिखाई दे और दूसरे लेयर के भी स्फीयर दिखाई दे। ये देखिए जी, कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। चलिए स्फीयर उसको मैं नंबर दे देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्फीयर, ये हो गया, चलिए ऊपर से नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ, और ये हो गया आठ। आठ स्फीयर ले लिए। अब हम क्या करते हैं, सबके सेंटर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया सेंटर फर्स्ट वाले का। दूसरा कोई कलर लेता हूँ, तो ये देखिए, ये सेंटर हो गया फर्स्ट वाले का, ये सेंटर सेकेंड, ये थर्ड का सेंटर, और ये फोर्थ का सेंटर, ठीक है। अब ऐसे ही हम बाकी के भी सेंटर ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये फिफ्थ का सेंटर, ये सिक्स का सेंटर, ये सेवेंथ का सेंटर, और ये एट का सेंटर। चलिए पहले हम जो लोअर लेयर है उसके सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिया मैंने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ। जी हाँ, जो पहले लेयर वाले जो ब्लू कलर के थे, ये देखिए मैंने अब सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड के सेंटर को ज्वाइन किया, और अब ज्वाइन कर दिया सेकेंड और फोर्थ के सेंटर को। और अब ठीक इसी प्रकार से हम पीछे वाले के सेंटर्स को भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं फिफ्थ के सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूँ सेवेंथ से, ठीक है। और ये फिफ्थ वाले को अब मैंने ज्वाइन कर लिया सिक्स से, और सिक्स वाले को मैंने ज्वाइन कर दिया सेवेंथ से, ठीक है। और अब देखिए, ये सेवेंथ वाले को ज्वाइन कर दिया मैंने एट से। अब इन्हें आप वापस ज्वाइन कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे, और ये ऐसे। तो देखेंगे जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा, आप समझे, ये बन गया एक बेसिकली क्यूब। तो ये क्या है, ये है एक क्यूब, और इससे बना क्यूब, इसीलिए ऐसे टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अभी आपने पढ़ा 3D में ए टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। आप ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं। ट्रिपल ए में ये ए रिप्रेजेंट करता है पहली लेयर, दूसरा ए भी रिप्रेजेंट करता है सेकेंड लेयर, और तीसरा ए भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड लेयर। सारे आइडेंटिकल थे, इसीलिए ए ए ए टाइप। अब मैं दूसरे टाइप की थ्री डायमेंशनल की पैकिंग पे जाना चाहता हूँ, जिसमें जो हमारी पहली लेयर होगी वो हेक्सागोनल टाइप की होगी। कौन से टाइप की होगी, जी हाँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की, 2D। ये देखिए, ये इसमें जो 2D मैंने जो पहली लेयर सेलेक्ट की थी वो स्क्वायर वाली थी। जी हाँ, वो कैसी वाली थी, स्क्वायर वाली। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो इनके सेंटर को, अगर आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो तो। ये देखो, तो इसमें पहली लेयर जो थी वो कौन सी थी, जी हाँ, पहली लेयर, मेरे कहने का मतलब जो 2D लेयर थी वो बेस मैंने कौन सा लिया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हम लेंगे जो 3D में जो दूसरा वे है, उसमें अब हम लेने वाले हैं AB, मैं वापस बताना चाहूँगा, AB हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और कौन सी, 2D वाली। तो ये देखिए, वो यहाँ पे नीचे है, ये देखिए, ये हेक्सागोनल हो गया। तो ये पूरे को मैं मान लेता हूँ अपनी पहली लेयर। तो ये हो गई मेरी ए लेयर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये मेरी है फर्स्ट लेयर। अब आप इसमें देख रहे हैं दो टाइप की वॉइड बनी है। ये एक वॉइड है जिसमें जो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, इसमें इसमें जो ट्रायंगल वॉइड है उसमें ट्रायंगल या फिर वॉइड का अपाइसेस जो है वो ऊपर है। ये देखिए, जो अपाइसेस है वो ऊपर है, ये देखिए जो अपाइसेस है ऊपर है, जो अपाइसेस है वो ऊपर है। और एक दूसरे टाइप की भी वॉइड बनी है जिसमें आप देखेंगे तो अपाइसेस नीचे हैं। ये देखिए, अपाइसिस मतलब ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दो प्रकार की वॉइड बनी है, ए और बी टाइप। तो चलिए मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में
आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है जिसमें जो अपाइसेस हैं वो ऊपर की तरफ हैं, इसे मैं कहता हूँ ए टाइप ऑफ वॉइड, और एक जिसमें जो अपाइसेस नीचे की तरफ हैं उसे मैं कहता हूँ बी टाइप। अब मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि हम जो दूसरी लेयर रखने वाले हैं, जो दूसरी लेयर रखने वाले हैं उसको इसी वॉइड के ऊपर रखने वाले हैं। कहाँ रखने वाले हैं? इसी वॉइड के ऊपर, ठीक है। अब हमारे लिए एक लिमिटेशन है कि हम ये दोनों टाइप की वॉइड को एक साथ फिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टाइप की वॉइड को फिल करने के लिए, दोनों टाइप की वॉइड को फिल करने के लिए जो डिस्टेंस है दो वॉइड के बीच में, मतलब एक जिसका अपाइसेस ऊपर है और एक जिसका अपाइसेस नीचे है, उसके बीच का डिस्टेंस 2r होना चाहिए। सर हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे r क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो r है वो इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है, ये देखिए ये रेडियस है। तो ये वाला हिस्सा भी r हो गया और ये वाला हिस्सा भी r हो गया, और अगर आप देखें तो ये अगर स्फीयर है तो ये उसका सेंटर है, तो दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस r, दैट इज 2r। और लगे हाथ मैं आपको एक ट्रायंगुलर वॉइड जिसका अपाइसेस ऊपर है और एक जिसका अपाइसेस नीचे है उसके बीच का डिस्टेंस भी बता देता हूँ। ये देखिए, एक जिसका अपाइसेस ऊपर है और ये जिसका अपाइसेस नीचे है, अगर इसके बीच का आप डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस अगर आप लें, तो ये तो स्फीयर की रेडियस हो गई, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो सिर्फ r ही है। क्या है? r। तो इसीलिए हम दोनों वॉइड को फिल नहीं कर सकते एट ए टाइम, हम कोई एक वॉइड फिल करेंगे, ठीक है। कौन सी वॉइड को फिल करेंगे? या तो जिसका अपाइसेस ऊपर है या तो जिसके अपाइसेस नीचे है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि जिसके अपाइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में है पहले हम उसे फिल करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अपाइसेस डाउनवर्ड है आप चाहे तो उसे भी पहले फिल कर सकते हैं, किससे? स्फीयर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं बढ़ता हूँ सेकेंड लेयर की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए, मैं सेकेंड लेयर का स्फीयर रखने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने कौन सी वॉइड को सिलेक्ट किया? जी हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिया ये ऐसी वॉइड जिसमें जो ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है। क्यों ट्रायंगल, इसे ट्रायंगुलर वॉइड क्यों कहते हैं? जी हाँ, स्फीयर के सेंटर को आप ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, और इसका वो शेप है। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। ये आप चाहिए तो मैं कलर को थोड़ा और इंटेंस कर सकता हूँ, बट समझने के लिए कि ये मैं दूसरी लेयर रख रहा हूँ, और इसे किसके ऊपर रख रहा हूँ? जी हाँ, ऐसी वॉइड जिसमें जो अपाइसेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए सारी अपवर्ड वाली को मैं भर रहा हूँ। ये देखिए, आपको चाहिए तो मैं दूसरा कलर ले सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, बट इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अलग हो रहा है, ये कलर ही सही है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी मैं इधर ले लेता हूँ। ओ, 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 ओ कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये रख दिया मैंने, फिर यहाँ पे भी, ये देखिए, फिर यहाँ पे भी, जितने भी आपको ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं उनमें सब में अपाइसेस जो ऊपर है उन्हीं को मैं फिल कर रहा हूँ, नीचे वाले पे मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस वॉइड को अगर आप देखेंगे तो ये कैसी दिख रही है आपको ये वॉइड? ये देखिए, जिसके अपाइसेज ऊपर है, ये वॉइड देखिए जिसके अपाइसेज ऊपर थे, ये वॉइड जिसके अपाइसेज ऊपर थे, ये देखिए। अब ये देखिए, जिसका नीचे था इसके ऊपर आपको कोई स्फीयर दिख रहा है? नहीं। जी हाँ, ये लाइट वाले स्फीयर देखिए, लाइट वाले, वो जो लाइट वाले स्फीयर जो मैंने अभी रखे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो अभी मैंने रखे हैं वो ये वाले, दीज आर द वन विच आई प्लेस राइट नाउ, ये वाले, ये ठीक है। ये तो फर्स्ट लेयर का है, जो डार्क है वो फर्स्ट लेयर का है, और जो लाइट वाले हैं वो ऊपर वाली लेयर है। तो आई होप आपको समझ में आ होगा कि मैंने जो स्फीयर रखे हैं वो उस वॉइड में रखे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड में, जिसका अपाइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़े और भी स्फीयर्स को मैं रख देता हूँ। तो ये हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे तो कोई है नहीं, बनाया नहीं मैंने, ऐसे यहाँ पे रख दिया मैंने, ऐसे ही मैं रख दूंगा,
यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारी कौन सी लेयर आ गई? जी हाँ, ये आ गई हमारी सेकेंड लेयर, तो इसे मैं कहूँगा सेकेंड लेयर। तो दिस इज आर सेकेंड लेयर। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने सेकेंड लेयर रखा, हमको दो टाइप की वॉइड और मिल गई। कौन सी? एक 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 ट्राइंगुलर वॉइड जो पहले ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, ये देखिए, जिसका अपाइसिस डाउनवर्ड था, उसके ऊपर एक और वॉइड बन गई। ये देखिए, ये पहले एक वॉइड थी ऐसे, जिसका अपाइसिस ऊपर की तरफ था। अब जब दूसरी लेयर मैंने रखा तो एक और वॉइड बनी जिसका अपाइसिस नीचे है। चलिए, नहीं समझा तो यहाँ पे और समझाता हूँ। ये देखिए, एक वॉइड जिसमें अपाइसिस जो था पहले वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ये देखिए, पहले इसका जो अपाइसिस था वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, और फिर बाद में सेकेंड लेयर रखने के बाद एक वहीं पे और वॉइड बनी जिसका अपाइसिस अपवर्ड डायरेक्शन था। मैं फिर बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये फर्स्ट लेयर की वॉइड, और फिर ये सेकेंड लेयर में अपवर्ड, मतलब ये जो वॉइड बनी है, ये जो वॉइड बनी है, इसमें तीन स्फीयर नीचे वाले और फिर तीन स्फीयर ऊपर वाले। तो टोटल ये कितने स्फीयर से बनी है? जी हाँ, 6 स्फीयर से। तो ये एक वॉइड बन गई, ये एक वॉइड बन गई, और इसे प्यारे बच्चों हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं आता हूँ, वापस इस पे आऊँगा, ठीक है। और एक दूसरी टाइप की वॉइड अब देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम एक दूसरे टाइप की वॉइड, और वो कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पे एक दूसरे टाइप की वॉइड है, जो जो ये ऊपर जो मैंने तीन स्फीयर रखे हैं, जो अब भी मैंने तीन स्फीयर रखे, और जो नीचे एक स्फीयर था उसके वजह से बना है। ये देखिए, ये वाले वॉइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले वॉइड की, जो सेकेंड लेयर को प्लेस करने के बाद आया। ये देखिए, ये वाला वॉइड, ठीक है। तो ये वॉइड कितने स्फीयर से बना है? जी हाँ, ये बना है, ये वॉइड बना है टोटल 4 स्फीयर से। कितने स्फीयर से? 4 स्फीयर से, जिसमें एक स्फीयर नीचे है और 3 ऊपर है, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 नीचे हो सकते हैं और 1 ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो आफ्टर प्लेसिंग, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे एक अलग से, आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर, आफ्टर प्लेसिंग सेकेंड लेयर, 2 वॉइड्स आर फॉर्म्ड। दो वॉइड बन गई, और वो कौन कौन सी वॉइड थी? जी हाँ, वो वॉइड थी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक वॉइड थी टेट्राहेड्रल वॉइड, या फिर आपको नहीं समझा नाम तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये बना 6 स्फीयर से, जिसमें 3 स्फीयर नीचे एक प्लेन में और 3 स्फीयर ऊपर या फिर नीचे वाले प्लेन में, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी 4 स्फीयर से। तो पहले इन वॉइड को ही समझ लेते हैं, क्या करते हैं, पहले हम इस वॉइड को ही समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड को और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सबसे पहले हमें ज़रूरत लगेगी किसकी? जी हाँ, हमें ज़रूरत लगेगी 6 स्फीयर की। तो ये पहला लेयर हो गया, चलिए देखिए, ये पहले लेयर की मैंने ले ली 3 स्फीयर्स। अब मुझे और कितने चाहिए? जी हाँ, और 3 चाहिए। तो अब मैं और 3 ले लेता हूँ। तो ये देखिए, 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वॉइड बनी है, इसे ही हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये देखिए, ये जो वॉइड बनी, पहले ट्राइंगुलर वॉइड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी, पहले लेयर में जो 3 स्फीयर रखे थे उसमें जो वॉइड बनी थी, अरे सही बोल रहा था मैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब दूसरी लेयर रखी तो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब आप इनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे, जब आप इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये देखिए, इसका सेंटर ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सेंटर ये है, पहले स्फीयर का ये, और इसका ये सेंटर हो गया, और इसका ये सेंटर, ठीक है, और ये जो सेकेंड लेयर आपने रखी उसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, और इसका सेंटर ये। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए ज़रा। तो ये देखिए, इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे,
ठीक है, ये समवॉट कैसा दिख रहा है? जी हाँ, स्क्वायर जैसा। और ये ऊपर आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर, ये ऐसे इधर। अब सबको एक दूसरे से ज्वाइन कीजिए, तो ये ऐसे आ गया और ये आ गया कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर ये आ गया कुछ ऐसे और ये आ गया कुछ ऐसे। तो ये बन जाता है बेसिकली एक ऑक्टाहेड्रा। क्या बन जाता है? ऑक्टाहेड्रा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब, ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसमें आठ फेसेस हो। क्या हो? आठ फेसेस। तो चलिए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये प्लेन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है और ये पॉइंट है। आपने इससे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपका एक फेस। ठीक, इससे ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? दूसरा फेस। और इससे ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा तीसरा। ठीक इसके पीछे एक बनेगा, वो चौथा। जैसे आपने ये दूसरा बनाया, ठीक ऐसे ही दूसरे के पीछे क्या होगा? चौथा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ, इसे आप पिरामिड की तरह ले सकते हो, बट पिरामिड में तीन फेस होते हैं, यहाँ पे कितने फेस है? चार। ऐसे ही आप चार नीचे भी ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑक्टा मतलब टोटल कितने फेस वाला हो गया? जी हाँ, ऑक्टा मतलब आठ फेस जिसमें चार फेस ऊपर और चार फेस नीचे। तो आपने क्या सीखा? जी हाँ, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो छह स्फीयर से बनती है। अब आगे चल के हम अपनी वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम एंट्रेंस भी कराने वाले हैं साइमल्टेनियसली जितना हो सके उतना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी वॉइड की तरफ, जो कि है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बनती है? जी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है समवॉट अराउंड चार स्फीयर से। तो उसके लिए ले लेते हैं हम चार स्फीयर। तो ये लिया पहला, ये लिया दूसरा और ये ले लिया मैंने तीसरा, और इसी के ऊपर रख देता हूँ एक चौथा। तो ये देखिए, ये चौथा हो गया। अब सबके सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। जी हाँ, जब सबके सेंटर को आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे तीन, तो पहले ऐसे एक ट्राइंगल, ये देखिए ऐसे, ये जो ट्राइंगल मिला है ये आपको, ये किससे मिला है? जी हाँ, नीचे वाले स्फीयर के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, और ये जो है ये स्फीयर ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे। तो ये इसको ऐसे ज्वाइन किया और फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे? टेट्राहेड्रा मतलब चार फेस मिल जाएंगे। कैसे? थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये तीन सेंटर एक प्लेन पे, ओके, ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ये तीन ऐसे प्लेन पे। ठीक है, इससे ऊपर आप जा रहे हो, ऊपर ऐसे का ये इसका सेंटर। तो इससे आपने इसको ज्वाइन किया, फिर इससे आपने इसको ज्वाइन किया, फिर ये पीछे वाले को भी इससे ज्वाइन किया। तो ये देखते हो ना, मीथेन का स्ट्रक्चर जिसमें मान लीजिए कार्बन इसकी इस वॉइड में यहाँ पे बैठा हुआ है कार्बन। तो एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। तो ये हाइड्रोजन, 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 मान लीजिए ये चार स्फीयर की तरह, और फिर इन्हें ज्वाइन कीजिए। तो ये ऐसे ज्वाइन हुआ, ये ऐसे ज्वाइन हुआ, ये ऐसे और ऐसे। तो ऐसे टोटल आपको कितने फेस मिलेंगे? जी हाँ, चार। ये देखिए, ये एक फेस, ओके, ये दूसरा फेस, ठीक है, एक दो, एक ऐसे ही पीछे आएगा ये जो है, ये तीसरा। ऐसे टोटल आपको कितने फेसेस मिलने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल में? टोटल आपको, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल में, बहुत माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऑक्टाहेड्रल बोल दिया। टेट्राहेड्रल में आपको टोटल कितने ऐसे फेसेस मिल जाएंगे? चार, चार फेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। एक तो बेस पे ही मिलता है, एक कहाँ पे मिल जाता है? जी हाँ, बेस में मिल जाता है। इसे आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए कार्बन सबके सेंटर में है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो हो गया वन, टू, थ्री और एक बेस वाला, टोटल चार फेस। हालांकि ये स्क्रीन पे है, अदरवाइज ऐसे सामने आता मैं वीडियो लेक्चर में तो आपको काफ़ी अच्छे से मैं बता दिया होता। ठीक है, धीरे धीरे, अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं और आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो। अगर इन फ्यूचर आप इसे बहुत ही लाइक करते हो और रिस्पांस बहुत अच्छा होता है तो हम सामने आके भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपने क्या सीखा? जी हाँ, ऑक्टाहेड्रल बनता है चार स्फीयर से। कितने स्फीयर से बनता है? चार। ठीक है, सॉरी, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल का रहूँगा, टेट्राहेड्रल चार स्फीयर से बनता है और ऑक्टाहेड्रल बनता है छः स्फीयर से। ठीक है, अब हम अपनी पैकिंग को देख लेते हैं।
पैकिंग को, ये देखिए, तो इसमें बनी थी दो टाइप की वॉइड, अगर आपको याद हो, एक थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक थी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मान लीजिए मैं जो थर्ड लेयर रखता हूँ, उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टा हो गई और दूसरी क्या हो गई, टेट्रा। तो चलिए मान लीजिए जो पहली लेयर मैंने रखी थी उसका नाम था ए लेयर, तो अब जो दूसरी लेयर रखा है उसका नाम रखते हैं बी लेयर। अब तीसरी लेयर रखने जाते हैं और तीसरी लेयर मैं रख रहा हूँ पहले, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, आई एम प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर दी टेट्राहेड्रल वॉइड। किसके ऊपर रखने जा रहा हूँ जी, मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अपनी अपनी तीसरी लेयर रखते जा रहा हूँ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है, मैं जिनको नहीं पता उनको यहाँ पे नंबर लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड ये है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। गलत जगह लिख दिया, सॉरी चाहूँगा मैं। हाँ, वैसे भी आप लिखना चाहे, आप कहें तो ये भी गलत नहीं है, इसमें तीन स्फीयर नीचे एक स्फीयर ऊपर, और ये देखिए ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। हालांकि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये नीचे बनी, और हमको कौन सा लेना है जी, हमको लेना है ऊपर वाला। तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल 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 टेट्राहेड्रल, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये टेट्राहेड्रल। सर ऑक्टा कहाँ पे, ऑक्टा ऑक्टा भी तो दिखाइए हमें। तो ये देखिए ये ऑक्टा है, ओके, इसे लिखते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल। अगर आप किसी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ले लें तो टोटली छः स्फीयर से बनी है। चलिए इसी को दिखा देता हूँ, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये हो गया तीन, ये तीन तो ऊपर वाले हो गए सर, नीचे वाले तीन ये देखिए, एक, ये दो, और ये तीन। तो ये तीन रेड वाले नीचे, और उसके बाद जो वायलेट कलर वाले हैं वो तीन ऊपर। चलिए अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो अब मैं प्लेस करने वाला हूँ थर्ड लेयर को, और उसे कहाँ पर प्लेस करूँगा जी हाँ, उसे प्लेस करूँगा मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो आपको मैंने लोकेशन भी दिखा दिए हैं, किसके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के, ठीक है। तो देखिए ये मैं ले लेता हूँ येलो कलर, ठीक है, ये रखता हूँ मैं अब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर स्फीयर को। तो ये देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि सर ये तो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरह हो रहा है, जैसे पहले लेयर थी ना जस्ट उसी के ऊपर ये स्फीयर्स आ रहे हैं, एकदम वैसे ही है जैसे फर्स्ट लेयर थी। बस बस दिल को थाम के बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने सब किस पे रख दिया जी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दिया। देखिए अभी भी टी टी सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेयर अभी प्लेस की गई है ये एग्जैक्टली किसकी तरह है जी हाँ, ये जो तीसरी लेयर यहाँ पे है, ये जो तीसरी लेयर है, ये वाली लेयर थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट लेयर, तो इसे हम कहेंगे ए लेयर। तो ये थ्री डायमेंशनल पैकिंग हो गई, कौन सी पैकिंग हो गई, ये थ्री डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। अब ये थ्री डायमेंशनल पैकिंग में मैं आपको थोड़ा सा कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए ये वाला जो पार्ट है राइट साइड वाला वो मैं मिटा देता हूँ। तो अभी तक आपने क्या देखा, जो पहली लेयर थी उसे हमने कहा ए लेयर, फिर हमने दूसरी लेयर रखा जो थी बी लेयर, ठीक है, और जब तीसरी लेयर रखने का टाइम आया तो अपने पास दो ऑप्शन था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड में रखना और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना। तो हमने रखा कौन सी वॉइड में जी हाँ, हमने रखा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और हमें फिर कुछ ऐसी पैकिंग मिली ए बी ए। तो थर्ड लेयर जो होगी वो ए लेयर जैसी होगी, ठीक है। तो पहली लेयर हो गई ए, दूसरी लेयर हो गई बी, तीसरी लेयर फिर से हो गई ए, और तीसरी लेयर को हमने किस में प्लेस किया था जी हाँ, तीसरी लेयर को हमने प्लेस किया था टेट्राहेड्रल वॉइड में जो बनी थी सेकेंड लेयर में। ये देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, तो ये थर्ड लेयर को मैं, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनी है इस पे रखता हूँ, ये देखिए ये सेकेंड लेयर में बनी थी, ये देखिए
एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूजन आ जाए। ये देखिए, ठीक है, तो ये मैंने रख दी कौन सी लेयर, जी हाँ ये मैंने रख दी थर्ड लेयर, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है किसके, इसे फर्स्ट लेयर की तरह। देखिए इधर अगर मैं इसे फिर रख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ऑलमोस्ट किसकी तरह हो गई, फर्स्ट लेयर की तरह। ये देखिए, ये देखिए ग्रीन वाला जो इसके पहले था वो कौन सी लेयर थी, जी हाँ फर्स्ट लेयर। तो देखिए एग्जैक्टली ये ग्रीन लेयर जैसा ही आ रहा है। तो ये अब आता है क्वेश्चन कि अब हम ये जो चौथी लेयर है उसको कहाँ पे रखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हमने हमने इस टाइप की पैकिंग में हर बार टेट्राहेड्रल वॉइड को फिलअप किया है, तो चौथी लेयर भी मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर ही रखूँगा। कैसे, ये देख रहे हैं आप, ये जो टी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मैंने अभी स्पॉट बनाया, ये जो टी हमारी टी जो दिख रहा है यहाँ पे, कौन सी वॉइड बनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, जी कौन सी वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी लेयर की थी वो, जी फर्स्ट लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड जिसमें अपाइसेस ऊपर थे, उसे मैंने स्फीयर रखा था। और जैसे ही मैंने थर्ड लेयर रखा फिर वहीं पे कौन सी बन गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, ये देखिए मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप पहले देख लीजिए कि ये जो स्फीयर जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला स्फीयर है जिस पर टी लिखा हुआ है, और ऊपर अभी जो मैंने ये वाले स्फीयर रखे, ये देखिए ये टर्कोइज कलर वाले, तो टोटल कितने स्फीयर हो गए, जी हाँ चार स्फीयर। तो यहाँ पे वापस जो बन गई है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। और इस पूरी पैकिंग में हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे ही स्फीयर को रखेंगे। अब मान लीजिए मैंने रख दी चौथी लेयर, ठीक है, कौन सी लेयर, चौथी लेयर, और मैं उसे रखता हूँ येलोइश कलर से। तो ये देखिए अब मैं रखने जा रहा हूँ चौथी लेयर, ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड पे मैंने रख दी चौथी लेयर। अभी भी टी दिख रहा है आपको, ये देखिए अब यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी, मैंने रख दी, वापस यहाँ पे भी बनी होगी, तो यहाँ पे भी मैं अगर रख दूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, चौथी लेयर। तो आपने क्या देखा अभी तक कि जो फर्स्ट लेयर थी वो ए थी, सेकेंड लेयर कौन सी थी, बी, थर्ड लेयर ए, और फोर्थ लेयर फिर बी आ गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल ए बी ए बी, थ्री डायमेंशनल ए बी ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके नाम में हेक्सागोन क्यों आया, क्यों, उसे समझने के लिए मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि इसे हेक्सागोन क्यों बना गया। तो याद रखिए मैंने जो सबसे पहले लेयर थी लेयर ली थी वो हेक्सागोनल लेयर थी, वन टू डायमेंशन की, फिर उसके ऊपर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बने उसमें स्फीयर रखे, फिर थर्ड लेयर में जो सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी उस पर रखा था, और फिर मैंने फोर्थ लेयर को भी रखा कि इसमें थर्ड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये देखिए ये हमारी सबसे पहली वाली लेयर है, मैं इसे दिखाता हूँ आपको, और इसे हम कहते हैं ए लेयर, कौन सी लेयर, ए लेयर ये है, और ये बीच वाली जो है ये कौन सी है, बी लेयर, और ये कौन सी लेयर है, ये वापस ए लेयर, इसके नीचे वापस ए आएगा, ठीक है। अब चलिए लगे हाथ में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता देता हूँ। अब जैसे इसी स्फीयर को मान लीजिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाला, मैं उसे वापस दिखाता हूँ स्पॉट करके, ये वाला स्फीयर अगर इसी को आप रखना चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे और ऐसे, ठीक है। तो ये तीन स्फीयर ऊपर आए हैं किसके ऊपर, जी हाँ ए लेयर के ऊपर। मान लीजिए ऐसे ही अगर तीन स्फीयर नीचे होते, तीन स्फीयर नीचे होते, तो टोटल ये जो सेंट्रल वाला स्फीयर है ये कितने स्फीयर से सराउंडेड है, मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, तो ए कितने स्फीयर से सराउंडेड होगा, जी हाँ ए सराउंडेड है सिक्स स्फीयर से, और वो भी किसकी, खुद की लेयर में, और ये तीन उसके ऊपर और तीन नीचे, ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सिक्स तो उसकी खुद की लेयर में हो गया, और फिर ये 7 8 9, और ऐसे ही तीन नीचे, तो टोटल टोटल कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, जी हाँ 12। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सेंट्रल एटम का वो आता है 12। चलिए अब इनकी नंबरिंग भी हम कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग करता हूँ 1, और इसे करता हूँ 2, इसे 3, इसे 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, और ये हो गया 17। अब हम इसे करेंगे जॉइन, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है ये हेक्सागोन। तो ये देखिए मैंने पहले फर्स्ट के सेंटर को सेकंड के सेंटर से जॉइन किया, फिर फर्स्ट के सेंटर को थर्ड के सेंटर से, फिर थर्ड के सेंटर को सिक्स के सेंटर से, और सिक्स के सेंटर को सेवन के सेंटर से,
और फिर सेवन के सेंटर को फिफ्थ के सेंटर को और सेकंड के सेंटर से फिफ्थ, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी कर लेते हैं। इलेवन के सेंटर को किससे जोड़ देते हैं, ट्वेल्थ से, और फिर इलेवन को थर्टीन से, फिर थर्टीन को किससे, सिक्सटीन से, और फिर सिक्सटीन को किससे, सेवनटीन से, और फिर ट्वेल्व को फिफ्टीन से, और फिर फिफ्टीन को सेवनटीन से। ठीक है, ऐसे आपस में भी इनके सेंटर को आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं, ये देखिए इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको ये जो मिडिल बी लेयर देख रहे हैं इसको इसी के ऊपर प्लेस किया है, तो मान लीजिए ये इनके बीच में ही आता है, तो इसको मैं अब इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये देखिए ये ऐसे हो गया और यहाँ पे ये आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, और इसे मैंने ज्वाइन कर लिया ये यहाँ पे नीचे, और इसे भी ज्वाइन कर दिया कुछ यहाँ पे नीचे। ठीक है, और ऐसे ही ऊपर वाली लेयर को मैं एक दूसरे कलर से ज्वाइन कर देता हूँ जो कि रेड होगा, ताकि हमें देखने में कोई तकलीफ ना हो। ये ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से ज्वाइन कर दिया, और इसके ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया बेसिकली हमारा क्या, हेक्सागन, हेक्सागन। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज मतलब क्योंकि सारे एक दूसरे के नज़दीक हैं। अब लगे हाथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तो मैंने तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, अब एक क्वेश्चन है जो आप मुझे बताएंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या फिर एक हेक्सागोनल क्रिस्टल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम आपको मेरे को ढूंढ के बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही मेहनत करने के बाद लोग सिर्फ दो या तीन मिनट वीडियो देखते हैं और फिर भाग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है क्वेश्चन आज का कि आपको HCP में पता करना है कि टोटल कितने एटम आते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट है और ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन नीट और JEE दोनों में पूछा गया है कि टोटल कितने एटम होते हैं एक हेक्सागन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की पैकिंग, दैट इज जिसमें हम पहली लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्फीयर को रखेंगे। अभी जैसे कि आपने ए बी क्लोज पैकिंग में देखा कि पहली लेयर की टेट्राहेड्रल, जो दूसरी लेयर थी उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी उसमें हमने स्फीयर को रखा था। ठीक है, हालांकि पहली लेयर में तो सारी टेट्राहेड्रल वॉइड ही होती हैं, तो दूसरी लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनी थी उसमें हमने तीसरी लेयर को रखा था। अब जब हम दूसरे टाइप की पैकिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें सेकेंड लेयर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी उसमें हम स्फीयर को रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो ये देखिए ये मैंने प्लेस कर दी सेकेंड लेयर। अभी सेकेंड लेयर में आप देख रहे हैं दो टाइप की वॉइड है। पहली जो वॉइड है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, पहली जो वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल, और जो दूसरी वॉइड है वो है ऑक्टाहेड्रल टाइप की। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि टेट्राहेड्रल के लिए 4 स्फीयर लगते हैं और ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 स्फीयर लगते हैं। तो ये देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं एक से रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये बनी है टेट्राहेड्रल वॉइड, थोड़ा कलर डार्क ले लेते हैं, तो ये बनी है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वन ये वन ये वन ये वन ये वन। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड ही है, ये भी वन, हालांकि इसमें ये कैसे बनी है, तीन स्फीयर नीचे एक स्फीयर ऊपर, और ये जो वन रखा है मैंने इसमें एक स्फीयर नीचे है और तीन स्फीयर नीचे है, समझ में आया, एक स्फीयर। ये जो मैं वापस थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करके आपको बड़े से लिख के दिखा देता हूँ ताकि तकलीफ ना हो, ये देखिए ये जो मैंने वन लिखा है इसमें तीन स्फीयर नीचे है, ये वन टू ये थ्री, और ये जो वन है ये फोर्थ स्फीयर है, तो ये तीन स्फीयर नीचे और एक स्फीयर ऊपर, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। तो सारी जो ये एक नंबर मैंने लिखा है ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड है, बट लगे हाथ हमें तो इंटरेस्ट है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को नंबर देना ज़रूरी है। तो अब मैं नंबर दूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को और उसी के साथ स्टार्ट करूंगा उसके ऊपर स्फीयर को रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं रखता हूँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसका नंबर दिया है टू, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये कितने से बनी है, 6 स्फीयर, ये एक ये दो
और ये तीन स्फीयर नीचे वाले, और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा स्फीयर ऊपर वाला। तो तीन स्फीयर नीचे और तीन स्फीयर ऊपर। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ वीडियो लेंदी हो रही है, बट इसके पीछे का जो मकसद है मेरा, वो आपको कंसेप्ट को एकदम अच्छे से सिखाना है। इतना आसान नहीं है ये पैकिंग को समझना, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखिए। ये हो गया, ये 20 सेकेंड हो गया, ये 20 सेकेंड हो गया, ये भी हो जाएगा सेकेंड। मैं इसे नंबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें जो थर्ड लेयर रखनी है, थर्ड लेयर रखनी है वो सेकेंड लेयर के ऊपर ही रखनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि जो पहली लेयर है ए, ठीक है, जो दूसरी लेयर थी वो है बी, अब हम रखने वाले हैं तीसरी लेयर, थर्ड, ठीक है? और उसे भी अब नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, पहले हम रखेंगे फिर हम सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं रखता हूँ। तो इसे हमें कहाँ रखना है? इसे हमें रखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो ये देखिए मैंने रख दिया, ठीक है, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, अब मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, अब इसे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये जो तीसरी लेयर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी अलग प्रकार की आ गई। जी हाँ, ये किस प्रकार की आ गई? ये ना तो ए जैसी है, ना तो बी जैसी है, और ना ही ए जैसी है, ना ही बी जैसी। तो इसे मैं एक अलग नाम दे दूंगा और इसे कहूँगा सी लेयर, ठीक है? अब हम रखने वाले हैं फोर्थ लेयर को। तो फोर्थ लेयर किसके जैसी? अब फोर्थ लेयर को भी हम कहाँ रखेंगे? जी हाँ, फोर्थ लेयर को भी हम रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही। अब देखिए, जैसे ही मैंने थर्ड लेयर प्लेस किया, दो टाइप की वॉइड बन गई, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। तो ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल, और जो ऑक्टा बनी है वो यहाँ पर बनी है। देखिए ओ ओ से लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ओ ओ से, ठीक है? अब उसी के ऊपर मैं स्फीयर को रखता हूँ। तो ये देखिए, मैं उसे स्फीयर को रख देता हूँ वहाँ पर। तो ये देखिए, ये मैं रखता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे स्फीयर को, ये देखिए रख दिया मैंने, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं ये बगल में ऑलमोस्ट, इसे मैं फिर से हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट ये किसके जैसा है? जी हाँ, फर्स्ट लेयर जैसा। मतलब जो चौथी लेयर आएगी, जो चौथी लेयर आएगी वो किसके जैसी होगी? ए के जैसी। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पाँचवीं लेयर आएगी तो वो किसके जैसी आएगी? जी हाँ, पांचवी लेयर आएगी तो वो आएगी बी के जैसी। इसीलिए इसे हम कहते हैं ABC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCP। और आगे चल के देखेंगे ये CCP कुछ और नहीं, ये FCC ही है, FCC ही है। और दोनों में मैं आपको बताना चाहूँगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 ही है। याद रखिएगा, आप बाद में एक क्वेश्चन मत पूछना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। लगे हाथ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सर अगर कोई एक एटम अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, ध्यान से सुनिए, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होगा? जी हाँ, 4। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है 4 स्फीयर से, और जो एटम को आप प्लेस कर रहे हो वॉइड के अंदर, प्लेस कर रहे हो अंदर, प्लेस करो तो खाली जगह में होगा, तो उसे कितने स्फीयर सराउंड करेंगे? 4। तो इसी के साथ आप मेरे को बता दीजिए कि अगर कोई एटम या स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सर 6। वेरी गुड, ठीक है? तो ये हो गया 6। तो हमने क्या क्या सीखा आज? जी हाँ, हमने सीखा कि सबसे पहले हमने देखा कि लेयर ए थी जो हमने लिया था 2D डायमेंशनल से, ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैं एक बार फिर लेके जाता हूँ उस पर ही आपको। तो हमें सबसे पहले ये मिला, ये, ठीक है सर? इसमें का वॉइड नहीं बताया आपने, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे क्यूबिक वॉइड बनती है। कौन सी वॉइड बनती है? क्यूबिक वॉइड। और क्यूबिक वॉइड बनती है प्यारे बच्चों 8 स्फीयर से। किससे? 8 स्फीयर से। और ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि इसमें खाली जगह बहुत है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो कौन सी है? जी हाँ, वो हमारे पास है ABAB हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर ये ABAB हेक्सागोन यहाँ पे लिखा होगा तो ये गलत है। इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो आप क्यूब के बारे में पढ़ते हो, जो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, इसे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये हुआ, अब आगे देखते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ मैंने बता दिया कि पहली जो
टू डी लेयर ली थी. सबसे पहला जो थ्री डायमेंशन देखा था वो सिंपल क्यूबिक का था. जो दूसरा लिया ए बी वो था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो तीसरा था वो था ए बी सी क्लोज पैकिंग. ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सी सी टी को हम एफ सी सी क्यों बोलते हैं. ठीक है, चलिए तो इसमें भी मैं ले लेता हूँ सबसे पहले ए लेयर. ये देखिए, ये ए लेयर हो गई, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और ये वापस ए लेयर. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ. ठीक है, तो मैंने इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूँ. तो देखिए ज़रा ध्यान से देखना, अब ये कह सकते हैं वीडियो का क्लाइमेक्स है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, ठीक है, ये देखिए मैं कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ. ये देखिए, मैं सबके सेंटर को ज्वाइन करने वाला हूँ और फिर बाद में आपको बकायदे एक्सप्लेन भी कर दे दूंगा. ये देखिए, अब इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ और इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे ये इससे और फिर ये इससे. अब मैं इसमें आपको आपके ये लेयर के कुछ स्फीयर्स दिखाता हूँ. ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा स्फीयर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो इसे मान लेते हैं हम ए लेयर का पहला स्फीयर. तो ये देखिए, इधर ये बी का पहला वो इधर आ गया, ये सेकेंड, तो ये सेकेंड इधर, ये थर्ड, तो ये थर्ड इधर. ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे तो मैं इसे लेता हूँ यहाँ पे. उसके बाद ये, तो ये इधर, फिर ये, तो ये इधर. ठीक है, अब इसे देखिए, ये यहाँ पे फिर ये तो ये देखिए, दोनों को भी बना दिया. अब ये, तो इसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हुआ, इसे यहाँ पे ले लिया, और फिर ये, तो इसे यहाँ पे लिया, और ये लास्ट वाला इसे यहाँ पे. अब आप इस जो जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और फिर मुझे बताइए कि इसमें टोटल टोटल कितने एटम हैं, इसमें टोटल कितने एटम हैं. और दूसरी चीज़, ये कौन से टाइप का यूनिट सेल है. ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं. जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है एफसीसी टाइप का यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे आइटम है. ये देखिए, ये कॉर्नर पे आइटम है सारे, जो रेड से मैं यहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ, ये सारे कॉर्नर पे हैं. और उसके बाद जितने भी आप देख रहे हैं सब फ्रंट, मतलब सब फेस सेंटर पे. ये फ्रंट वाले फेस का सेंटर है, ये बैक वाले फेस का सेंटर है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये बॉटम लेफ्ट, और ये राइट बॉटम लेफ्ट. ठीक है, ऐसे. तो ये हो गया एफसीसी, जिसे हम कहते हैं सीसीपी. तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है. आप बता दीजिए कि सीसीपी में टोटल कितने एटम होते हैं या फिर टोटल कितने पार्टिकल होते हैं. तो आज के लिए आपके पास दो क्वेश्चन हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टोटल कितने एटम होते हैं और दूसरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टोटल कितने एटम होते हैं. अगर आप इसका आंसर देते हैं इसका मतलब आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं. Thanks a lot for watching the video. Share it maximum with your friends. And if you haven't subscribed our channel, zarur subscribe kar dijiye. Thanks a lot.